थोड़ा धीरे चल रहा है बस, ठीक है ठीक। स्टार्ट स्टार्टिंग, मतलब सारा शूट हमारा निपट गया है, ड्रोन शॉट रहता है। व्हाट अ सनराइज भाई, बता देना मेरे को है, मुझे लेके तो नहीं उड़ेगा ये, छोड़ दो। बाय बाय। अभी हम नहा धो के एकदम फ्रेश हुआ हमें, अब हम निकलने वाले हैं एक शूट के लिए पहाड़ों की ओर। आज हमारे साथ एक एक्ट्रेस भी है, अभी बताऊंगा, मिलवाऊंगा थोड़ी देर में कि कौन हमारे साथ इस गाने में लड़की वाला पार्ट कर रहा है, मतलब आज जाके उसका शेड्यूल निकल पाया। वाह, ओरिजिनल कितना बढ़िया लग गया, इसको देख के ये नल कल परसों में लेके आया था, लगाना था तो अभी तक लगा नहीं है, कोई बात नहीं, एक बार हाथ धो दे माँ उसमें। स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग में, यो वॉचिंग प्रियंका आ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया है तक ब्लॉग्स में बने रहने के लिए। धूप भी बहुत तगड़ी हो रही है तो मैं कुछ आज लपेट ही लूँगा, रोज़ रोज़ मैं धूप में चला जाता हूँ, ऐसा भुन जाता हूँ मैं। तो 3:30 बजे का टाइम है, सारी टीम जो है वो मिलने वाली है बुद्धा पार्क पे। तो पहले मैं थोड़ा सा जुटा लेता हूँ सारा सामान और फिर निकलते हैं। बस गाइज, ये आज का लुक है हमारा, कुछ अलग ही चंकी क्रंकी काम कर रहे हैं हम रोज़। और इधर हमारे बगल में बैठे हैं वीरप्पन के गैंग से सांगा नाम है इनका। तो हम लोग अब निकल रहे हैं शूट के लिए, बुद्धा पार्क में मिलना है सबको, वहीं चल रहे हैं सब। भाई इस तरह नजर आते हैं सारे के सारे चोर उचक्के, बिल्कुल डकैत नजर आ रहे हैं सबके सब। शिवांशु है, हेलो शिवांशु। बोलो भाई, आपने कुछ फेस पे नहीं पहना, तीन चार लेयर की परत लगा रखी है। इधर है वेदवाल जी, सूरज भाई हेलो, और आप भी अपना परिचय दें। मेरा नाम शिवू है। शिवू भाई है हमारे साथ, 6 जन जा रहे हैं हम लोग आगे आज गुमखाल की तरफ, है ना। तो हम निकल गए गाइज दुगड्डा से गुमखाल वाली रास्ते पर, वहाँ शूट करेंगे। कितने डेडिकेटेड है सारे के सारे, देख रहे हो तो इतने सारे लोग इतने डेडिकेटेड है, वाह। भैया हम भरी दोपहरी में एक गांव में पहुँचे हैं, सामने दिख रहा है आपको, यहाँ पर सब लोग रुक रहे हैं। हाँ से वो घर देखा है। अरे हाँ यार, वो तिबरी वाला घर है वो। वही तो। ऐसी हम चल रहे थे गाड़ी से तो अचानक से हमें वो घर नीचे गांव दिखा पूरा, हमने सोचा इसी गांव में करते हैं शूट। तो गांव में बिल्कुल टिपिकल वही वाले घर हैं, पहाड़ी घर हैं बिल्कुल। तो ये ऐसा रास्ता है कुछ उस गांव तक पहुँचने का, कच्चा रास्ता, और पहाड़ में जो है आप शूट कर रहे हैं। ये साफ सुथरी हवा फ्री है, लोकेशन फ्री है, लोगों की मोहब्बतें फ्री हैं, किसी को जानते नहीं है, बट ये भी भरोसा है कि वो बोलेंगे हाँ कर लो। ऐसा होता है भाई, ऐसा होता है, बहुत कॉमन है। देखो वहाँ देखो, वो गांव दिखने लगा है, वो यहीं से सब लोग एक्साइटेड हो गए हैं बस वहाँ पहुँचने के लिए, किसी भी तरह की जल्दी से पहुँच जाएं। लोग देखने भी लगे भाई कि कौन आ रहे हैं ऊपर से नीचे, हमारे कितने दोस्त बन जाएंगे सच में। हाँ मैं थोड़ा यार पहाड़ी टिपिकल 90s में जिस तरीके से लड़के ड्रेस किया करते थे वैसा कुछ पहना है। अभी इसको कमर पे और चढ़ाएंगे इस बेल्ट को ऊपर के लिए। वाह यार, वो छन्नी देख रहे हो तुम, कितना प्यारा है ये सब, वाह। नाम भी नहीं पता यार हमको, ये पानी की टंकी है, यहाँ पर गांव पानी भरता होगा यहाँ से। तो भैया हम गांव तक पहुँच गए हैं, सामने गांव है। नमस्कार जी, कोटद्वार बटे हैं जो हमारे एक गाना वीडियो बनाना जरा। तो गाँव हम तो बहुत सुंदर लग मत्थी बटे। तो ये किया कि नहीं कोई घर वाला ना, बस बढ़िया गांव थे, बहुत बढ़िया है। है वीडियो बनाना खड़ा है हम जरा बस। वीडियो ना हम सारा दिन आ जाओगा। नाम क्या है? खनगढ़। खनगढ़ खनगढ़ है गांव का नाम। ठीक ठीक ठीक। अच्छा अच्छा, पानी नहीं आ रहा गांव में? ओहो नमस्ते बोल रहे। नमस्कार। खूबसूरत चुवल तुम्हारे गाँव। चलें आगे, चलो आगे क्या लिया था भाई। हाँ इस तरह की पगडंडी है, वाटर हार्वेस्टिंग की गई है एक तरीके की, छोटी मोटी पानी की कमी है इस गांव में। अबे कंडाली भी है यहाँ पर, इस लेवल पे कंडाली पहुँच जा रही है, कंडाली है यहाँ पर। हम गांव के अंदर अभी वॉक कर रहे हैं बिल्कुल, और सामने वाह यार वाइब तो है भाई, देख रहे तुम, यहाँ पर सब शूट हो जाएगा इस लाइट में। अच्छा देखते हो, अभी
अच्छा अच्छा धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा चलो कोई नहीं कोई नहीं। वाह यार, गांव का नाम है खनगढ़। हम ऐसी पगडंडियों से होकर आगे जा रहे हैं और वो लोग कह रहे हैं कि हम भी देखते हैं आपकी वीडियोस, रील्स वगैरह। कैसा लग रहा भाई? बढ़िया है, अच्छी प्रॉपर्टी है। ईशा तूने नहीं बोला यार, फेस दिखा के हेलो। हेलो हेलो भाई, इस टाइप का घर रहा होगा। हाँ, और वो जा चुका है घर छोड़ छाड़ के। बहुत प्यारा घर है, वो कह रहे खरीद लो। खरीदने कितने मिलेगा पता नहीं, पूछना पड़ेगा उनसे। खनगढ़ गांव में इतना सुंदर घर और खुशबू, हवा बहुत ही बेहतरीन है। कहा था ना गांव के लोग दोस्त बन जाते हैं। यही खूबी है पहाड़ की। चाय पानी सब पिलाएंगे वो। ये सबसे बढ़िया बंगला जी। कद का अच्छा तुम बिकाना, ये थे कितने में मिलेगा ये बंगला हमको? तो आप बताओ। हमारे कोड़ी पोंगड़ी बिके जाए सब बेदानी। भाई हमारा शूट शुरू हो चुका है गाइस। हेलो गाइस। हेलो। और एक्ट्रेस हमने वहां बिठाई है छज्जे के ऊपर, देखो। एक्ट्रेस ढंग से बैठ जा, थोड़ा आगे आओ। ऐसा लग रहा है बाड़ा बैठे होंगे जैसे बीड़ी लेके। चलो भाई, सारे गांव वाले लोग भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, शूट देख रहे हैं। मस्त, रेडी भाई रेडी। थैंक यू भाई थैंक यू। बस बस दैट्स इट। हेलो गाइस, मिलने हैं यूट्यूब चैनल खोल यार। अब मेरा वाला उससे ले गया, बहुत बार देख लिया। हेलो बोल दीजिए आप सब भी। टाटा वाला दो डीजे आए, एक दूसरे को देख रहे हैं। चलो आ जाओ, चाय पी लो, ठंडी हो गई। दीदी लेके आई है बहुत सुंदर चाय, आ जाओ। धन्यवाद बहुत बहुत। आप वाली बना चाय? हाँ जी जी। अरे थैंक यू सो मच। हेलो, तुम्हें जहाँ पानी नहीं आ रहा वहाँ हमको चाय मिल रही है। बहुत ही ज्यादा सुंदर लोग है भाई। भाई चाय पी लो यार, तुम भी आ जाओ। भैया चाय भी पी रहे हैं हम सब लोग यहाँ पर, ऐसी जगह पर आकर। मतलब कितना मेहनत करनी पड़ेगी हमको यहाँ चाय मंगाने के लिए, कहाँ से मंगाएंगे हम यहाँ चाय। बट दीज गाइस, कैसा लगा आपको यहाँ पर? बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। कभी कभी ऐसा लगता है हम ऐसे लोगों को डिजर्व ही नहीं करते। और यही चीज पहाड़ों में आ गए हम, सतयुग में। सतयुग मतलब यही चीज ना पहाड़ों में, जब लोग बाहर के लोग आकर जब बसते हैं ना, तो ये चीज, ये इनोसेंस मर जाती है। क्योंकि बाहर के लोग बाहर से वो लेकर आते हैं, वो बाहर का चाल चलन लेके आते हैं। मतलब कट थ्रोट एकदम वो होते हैं ना, वो मुंह पे सब कुछ बोलने वाले। यहां के लोगों के अंदर ना पाप ना कुछ, स्वीटनेस बहुत। सादे लोग ऐसे ही है, यही पसंद है मुझे, इसी के लिए मरता हूँ मैं, यही इसीलिए नानी के गांव जाया करता था। अब शाहिद कपूर लग रहा है, पूरा लॉस एंजलिस लग रहा है। हमारा गाना शूट हो गया है, अब हम जाना चाहो उनको भी हमने गाना सुना दिया। गाना कहने लग तुम थे, गीत बढ़िया थे हमारे, बहुत बढ़िया। सच्ची बताओ इन गाना क्या कभी भी नहीं सुना। इन गाना मैं कभी नहीं सुना, कभी नहीं सुना है ऐसा गीत। चलिए अब चलते, चलो अब हम आगे चाहते हैं। बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलकर। कल का क्या सिनेरियो? कल भाई सुबह 6 बजे, कल सुबह 6 बजे मिलेंगे दोबारा। मिलेंगे नहीं, अड्डे पे 6 बजे होना है। हाँ तो मतलब 5 बजे निकल जाएंगे घर से, गाँव को पीछे छोड़ते हुए जा रहे हैं। पर गाँव का कुछ अंश जो है वो हमारे साथ रह गया, इतने लोग इमोशनल यहाँ के हैं। भाई आपने एक लाइन बहुत बढ़िया बोली, उन्होंने कहा था कि आप एक गाँव को जाकर अडॉप्ट कर लो और गाँव आपको अडॉप्ट कर लेगा। ऐसा ही है, गांव सच में आपको अडॉप्ट कर लेता है। बहुत ही सुंदर लोग, बहुत ही बढ़िया जगह। अभी भी देख रहे हो सब नीचे से हमको हाथी ला रहे। ओह पहुंच गए, पानी नहीं है यार। चलो भाई सारी टीम जा रही है, आज के लिए बाय बाय बोल दो सारे के सारे यहीं पर। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय, थैंक यू। ठीक है अब घर निकलते हैं भाई। 15, 5, 4, 20, 5, 5, 25, 5, 8, 5, 6, 7.
ये तो अनइमेजिनेबल हो गया, मतलब मैंने सोचा ही नहीं था कि इसको पास इसको टेबल पर डाल दे। बहुत भाई बढ़िया है, पता है सब। घर आके व्लॉग एडिट किया, 9:20 पे पोस्ट किया है, हो गया। बढ़िया व्लॉग है कल का, जिसने नहीं देखा है अगर कल का व्लॉग देख लेना। खाना दे दो, और खाना खा के मैं भट से सो रहा हूँ, सुबह 5 बजे जाना है। 5:45, 9:45, 5:10, 5:10, 15:50 गाइस को बोल दे हेलो यहाँ पर। हाय गाइस, हेलो गाइस, जल्दी मिलेंगे गाइस। गाइस हमारी 2 तोरी लगी हुई थी घर में, 2 तोरी तोड़ी उसके पापा ने, तोरी की सब्जी बनाई हमने, तोरी आलू, देखते हैं पिको क्या बोलता है, कैसी लग रही है सब्जी। लाजवाब हो रही है एकदम, बहुत ही टेस्टी, घर की सब्जी ना। आजकल हम करेले भी घर के खा रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया है। चलो जी, डिनर हमने कर लिया है, अब सोएंगे क्योंकि सुबह जल्दी उठेंगे। गुड नाइट बोल। गुड नाइट गाइस। ओहो, सुबह के बज रहे हैं 4:30, और 5 बजे मिलने का डिसीजन अपना सही था क्योंकि सनराइज होने लग जाता है, अभी से उजाला होने लगा है, दिख रहा है। कनखनी, देखिए गाइस सुबह हो गई है। शिवांशु भाई हेलो। हम सब पहुंच गए हैं शूटिंग लोकेशन के रास्ते पर, यहाँ से अब हमें ऊपर जाना है, पर हमारे पीछे देखिए टाउन कैसा लग रहा है। देखो वहाँ हमारी एक्ट्रेस रेडी हो रही है, स्कूल गर्ल बन गई आज, और यहाँ पर वल्लू भाई सेटअप लगा रहे हैं। अरे अच्छी लग रही है यार, खूब लग रही है यार तू। और वेदवाल जी यहाँ पर पहले ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। कहाँ है वेदवाल जी, वो माखो कहाँ गया? अरे मेरी जेब में। भाई कितना ऊपर जा रहा है वो, अबे तूने इसमें बैटरी तो लगाई नहीं। आपने ही बोला पहले लगाओ। अबे यार तुझे आप व्लॉग नहीं कर सकते थे भाई, कब होने दिलता यार, थोड़ा धीरे चल रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग मतलब सारा शूट हमारा निपट गया है, ड्रोन शॉट रहता है। What a sunrise. भाई बता देना मेरे को है, मुझे लेके तो नहीं उड़ेगा ये। पहले टाइट पकड़ रखा मैंने वो। ऐसे भी ऐसे रखो बस। छोड़ दो। बाय बाय। ठीक है गाइस डन। ऑल गुड। सही। चलते हैं। मस्त है मां। मजा मां। बढ़िया लगा। सूरज भाई। चल। कुछ खाने के लिए मैं जाता हूं। चलो चलो भाई हमारा शूट निपट गया है, अब हम जा रहे हैं, बहुत बेहतरीन रहा, अब घर निकल रहे हैं। बड़ा अच्छा लगा है ना, पहले देखते हैं ना सिनेमा, अच्छा लगा ना, करता हूं। काफी टैन हो गया मामला, ऐसा तो था नहीं पहले, पर काफी टैन हो गया है भाई, अपना चेहरा काफी टैन हो गया है। पर मेरे जो साथ में काम करने वाले लोग हैं ना, जो मेरे साथ शूट कर रहे हैं गाना, वो कसम से इतने जुझारू लोग हैं, वो मतलब कभी कभार अगर मैं ऐसा हो जाऊं कि यार अब कैसे होगा, वो ऐसे आते हैं बिल्कुल नेचुरल के, अरे कर लेंगे भैया, हो जाएगा, ऐसे करते हैं। तो आज ही हम ये सॉन्ग का 80% हो गया, आज ये सॉन्ग का बाकी का भी निपटा देंगे शाम तक, और ये सब पॉसिबल है उन लड़कों की वजह से। बहरहाल अब घर आ गए, आवाज़ आप सुन रहे होंगे, मेरे पिताजी ने फर्राटा लगा दिया घर पर, करके पंखा चल रहा है। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, क्रिएटर को सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन का बटन दबाएं, उसके अलग मज़े हैं, गारंटेड फन। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन दबाइए, क्योंकि अबे ढंग से बोल सकती है ना, ढंग से बोल ले, अबे यार ढंग से बोल, थोड़ा तमीज से बोल।